नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं विकास आपका स्वागत करता हूँ। मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, एंड दोस्तों आपका स्वागत है वीकली इंडेक्स आउटलुक पे, जहाँ पे कि मैं आपको वीकली इंडेक्स का प्लान बना के देता हूँ अपकमिंग वीक के लिए, जिसमें कि आप धमाकेदार कमाई कर सके। तो दोस्तों, लास्ट वीक जो ट्रेड प्लान था वो फुल्ली एक्टिव नहीं हुआ, क्योंकि बाजार ने लास्ट वीक, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, एंड बाजार ने बाउंस दिया अपर रेजिस्टेंस जोन तक। चूंकि ये वीकली रहता है तो मैं इन द मिड ऑफ द वीक आके आपको दे नहीं पाया। तो ये अपने रेजिस्टेंस जोन 17,800-900 के रेजिस्टेंस जोन के पास निफ्टी गया, एंड आफ्टर दैट इट फेल डाउन। तो अब दोस्तों, ये जो निफ्टी का जो आउटलुक है, आइए देखते हैं। अभी फिलहाल के लिए देखिए, एक छोटा सा अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो ये देखिए, वन टाइम, टू टाइम, ये थर्ड टाइम हुआ है कि निफ्टी ने इस जोन पे आज 17,367 का सपोर्ट था, एंड बिफोर दैट 17,345 वाज द सपोर्ट जोन फॉर निफ्टी, एंड बिफोर दैट 17,380। तो 3 times निफ्टी हैज टेकन अ सपोर्ट फ्रॉम दिस ऑड लेवल्स, 17,350 और जोन इज एक्टिंग एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन फॉर निफ्टी राइट नाउ, निफ्टी फ्यूचर्स। ओके, तो व्हाट वुड बी द ट्रेड प्लान एंड हाउ विल प्लान आवर ट्रेड फॉर द नेक्स्ट वीक। तो फॉर द नेक्स्ट वीक दोस्तों, हम लोग ट्रेड को ऐसे प्लान करेंगे। दोस्तों मैं कुछ इंग्लिश कुछ हिंदी में बोल रहा हूँ, ताकि जिनको अगर ये हिंदी समझ में नहीं आ, मतलब जिनको अगर हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है, तो वो इंग्लिश में भी इसको थोड़ा सा इनको इंटरप्रिटेशन करने में सुविधा हो। मैं जस्ट कंबाइन करता रहूंगा हिंदी इंग्लिश टू मेक द प्रेजेंटेशन ऑफ द एंड एनालिसिस मच मोर अंडरस्टैंडेबल फॉर एवरीवन। तो दोस्तों, यहाँ पे एबीसीडी में भी एक बेरिश क्रॉसओवर वापस डेली चार्ट में होने वाला है, एंड फॉर द नेक्स्ट वीक 17,350, इफ वी ट्रेड बिलो दिस लेवल, 17,350 के नीचे अगर हम लोग ट्रेड करते हैं, वी लाइक टू गो शॉर्ट। एक छोटा स्टॉप लॉस दे दीजिएगा 17,550 का दिस जून का, एंड द टारगेट वुड बी 17,100 एंड 16,800, जो कि हमारा प्रीवियस वीक का टारगेट था, ये अचीव नहीं हो पाया था। बट इतना बड़ा ये जो गैप डाउन हुआ है कल के बाद में, ये गैप डाउन को कंटिन्यू करना चाहिए बजाय, ठीक है, बिकॉज लॉन्ग टर्म ये में कि ऊपर गया वापस से इतना बड़े गैप डाउन के साथ जब करेक्शन दे दिया, तो आई थिंक बायर्स आर ट्रैप्ड एंड द मार्केट विल करेक्ट जरूर। तो मैंने आप लोगों को देखिए बार बार, एवरी टाइम आई शोड यू कि वीकली चार्ट खराब है, वीकली चार्ट में एमएसडी में बेयरिश क्रॉसओवर है, एंड वीकली चार्ट का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन बनता है, इट कम्स अराउंड दिस लेवल, अराउंड 17,000-16,800 लेवल्स आता है मंथली चार्ट। मंथली चार्ट में मैंने बताया भी था कि मंथली कैंडल चालू हुआ है, ऊपर जा सकता है बॉडी तक, बट अगेन इट विल फॉल। अब मंथली चार्ट का जो ये देखिए, मंथली चार्ट का सपोर्ट जोन आता है 16,900 समथिंग लेवल। तो दीज आर द लेवल्स दैट विल बी वर्किंग दैट आर इंटैक्ट, तो बाजार को यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है। तो मंथली चार्ट में एमएसडी में बेरिश डाइवर्जेंस भी इन प्ले है। दिस इज अ बेरिश डाइवर्जेंस दैट इज इन प्ले इन मंथली चार्ट। तो आई प्रेजेंटली बिलीव कि मंथली चार्ट में ये आना चाहिए नीचे, क्योंकि देखिए बहुत दिन हो गया यहाँ पे कंसोलिडेट किया करके, जस्ट एक नया हाई बनाया, तो जब जब ऐसा होता है तो करेक्शन इज स्ट्रॉन्ग, एंड मेरे को मंथली चार्ट का करेक्शन देखिए दोस्तों, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे ही बाजार रुकना चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई बिलीव 15,600 इज ऑन द कार्ड, 15,500-16,000 इज ऑन द कार्ड फॉर निफ्टी। तो ये 1 महीने में, मार्च में, अप्रैल में, बट दीज आर द लेवल्स कि निफ्टी को यहाँ तक आना चाहिए, इस करेक्शन को टेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये निफ्टी का यहाँ तक का एक जोन मेरे को दिख रहा है चार्ट में, एंड मेरे को लग रहा है कि निफ्टी यहाँ तक आना चाहिए। 15,600 शुड बी द अल्टीमेट टारगेट फॉर निफ्टी एज ऑफ। तो मैंने आपको डेली चार्ट दिखाया, वीकली चार्ट दिखाया, मंथली चार्ट दिखाया, बट बिना वर्ली चार्ट के
विदाउट आवर्ली चार्ट तो ये ट्रेड प्लान कंप्लीट होगा नहीं। देखिए, दिस वाज द फॉल्स ब्रेक मार्केट गेप, अगेन मार्केट ट्राइड यस्टरडे दिस ब्रेक, जब इसको कल तोड़ के बंद हुआ ना, देन ओनली वी कैन वी रियलाइज दैट कि मार्केट इज गोइंग डाउन। एंड देखिए, यहीं पे एक हम लोगों को एमएसडी में भी प्रॉब्लम मिल गया था, एंड एमएसडी वाज नॉट एग्रीइंग टू दिस राइज, एंड टुडे इट वेंट गैप डाउन। बट उसके बाद पूरा दिन जो गैप डाउन पे, जो पहला 1 घंटे पे जो इसने लो किया, पर यार पूरा दिन इस लो के, इस कैंडल के बीच में ही रह गया। तो इट इंडिकेट्स कि बायर एक बाई एक सेल, एक बाई एक सेल, एक बाई, अभी एक सेल का कैंडल वापस बनेगा क्या मंडे को? तो लेट्स सी। तो ट्रेंड वीक है, 17,365 350 के नीचे गया तो सीधा 17,000 पे आके गाड़ी रुकेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक का ट्रेड प्लान 17,350 के नीचे सेल करना है, और बाउंस में, अगर बाउंस में 17,550 600 मिल जाता है तो 17,700 के स्टॉप लॉस में भी सेल करना है। द व्यू विल बी बेयरिश फॉर नेक्स्ट वीक। बैंक निफ्टी डिसाइसिवली आवर्ली चार्ट में तो देखिए खराब है, ठीक है। डेली चार्ट, मंडे को डेली चार्ट में तो और करेक्शन आना चाहिए, क्योंकि निफ्टी अपने लॉन्ग टर्म ईएमए के नीचे चला गया, बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा था, बट नाउ आई थिंक बैंक निफ्टी देखिए दो बार भी समझ लीजिए करीब करीब, ये जो बैंक निफ्टी के लिए जो सपोर्ट जोन है ना, 39,700 600, ये बैंक निफ्टी को बचा के रखा था दिस जोन। तो मेरे को नहीं लगता कि इस जोन को बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा देर तक डिफेंड कर पाएगा, एंड दिस टाइम आई थिंक दिस जोन विल गेट ब्रोकन, बिकॉज वन टाइम टू टाइम दोनों टाइम यहाँ से अच्छा बाउंस दिया, बट व्हाट हैपेंड, बाजार ने इस रेजिस्टेंस को क्रॉस दोनों ही टाइम नहीं कर पाया। ये रेजिस्टेंस जोन, दिस जोन, अब यहाँ पे ये इसका सपोर्ट का काम कर रहा था, चेंजिंग पोलैरिटीज है, रेजिस्टेंस जोन हो गया, देखिए बाउंस दिया, यहीं पे अटका गिर गया, एंड यहाँ पे अटका। हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लिया था, मैंने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लिया था 6 मार्च को, 8 मार्च को ये अनएक्सपेक्टेड मूव करा के, मतलब ये अनएक्सपेक्टेड 500 का पॉइंट्स का मूव, ये लो करके यहाँ पे लो खोल के एंड देन इट बाउंस बैक, तो गड़बड़ किया था। बट कल अगेन इट वेंट एग्जैक्टली विथ आवर एनालिसिस, कल हमारे एकदम एनालिसिस के हिसाब से गया, एंड आज का गैप डाउन इट वाज मच एंटिसिपेटेड। कल हम लोगों ने बैंक निफ्टी का पोर्ट लिया था, वी मेड रियली गुड मनी आउट ऑफ इट, हमारे सारे सब्सक्राइबर्स अच्छा पैसा बनाया, एंड नाउ अल्टीमेट टारगेट इज दिस लेवल 39,700, बट इसको तोड़ेगा तो देन वी आर हेडिंग मच डीपर करेक्शन, आई थिंक देन टारगेट वुड बी अराउंड 37,800 दिस लॉन्ग ऑन लेवल। तो बैंक निफ्टी विल बी अ सेल, 40,500 के नीचे जैसे ही ट्रेड करता है बैंक निफ्टी को सेल कर दीजिए, 40,800 का स्टॉप लॉस रहेगा, एंड द टारगेट वुड बी 39,700, एंड देन उसके बाद सीधा 38,100। तो ये ट्रेड प्लान रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो इसको, स्ट्रेटेजी को आप लॉक कर लीजिए एंड प्ले करिए इस स्ट्रेटेजी के साथ में, धमाकेदार मुनाफा होने वाला है। फ्यूचर बेचिए, पुट लीजिए, कॉल बेचिए, बट जहाँ पे भी करिए अपना स्टॉप लॉस सिस्टम पे डिफाइंड रखिएगा, जो स्टॉप लॉस मैं बताता हूँ उसके हिसाब से ट्रेड को जरूर प्लान करके रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, दिस इज विकास साइनिंग ऑफ फॉर दिस वीक, फिर आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते विद द ट्रेड प्लान ऑन द इंडेक्स। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, हैव अ अपकमिंग प्रॉफिटेबल वीक।